हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने दो पार्ट थे उसके, जिसमें आपने देखा था मैंने जो किचन सेटअप बाहर की साइड पे बनाया है, उस सेटअप को लेकर आज डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप वैसा सेटअप कैसे बना सकते हो और मैंने कैसे बनाया और क्या मैकेनिज्म है, पर्पस बिहाइंड इट और डायमेंशंस और कॉस्ट, और ये प्रैक्टिकल है कि नहीं, ये लीगल है या लीगल है। जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में हो वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम हमेशा की तरह जंगल में आके खड़े हो गए हैं और पीछे हमारे तालाब बना है, और पिछला वीडियो भी हमने यहीं पर शूट किया था, वहीं पर हम ये दूसरा वीडियो भी शूट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रिप की ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए बहुत कम टाइम है। इसीलिए हम आपको दोबारा कहीं नई लोकेशन पे नहीं ले जा पाए, वापस वहीं उसी लोकेशन पे हमें आना पड़ा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और बताते हैं आपको सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू माय किचन सेटअप। ये खड़ी अपनी गाड़ी, और ऊपर आपको रूफटॉप टेंट डीआईवाई दिख रहा होगा, नीचे आपको बाहर बाहर जो हमारी चीज़ें वो बता रहा हूँ मैं। एक डीआईवाई टेंट पड़ा है हमारा, एक डीआईवाई किचन सेटअप जो हमारे गाड़ी के एक्सटीरियर में है। ये दो चीज़ें हैं, एक थर्ड चीज़ और है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा डिटेल से। फिलहाल आपको ये जो नीचे चीज़ दिखाई दे रही है, जिन लोगों ने अभी तक हमारा पुराने दो वीडियोस नहीं देखे, ये इंडियाज़ फर्स्ट एंड मोस्ट यूनिक कैंपिंग वैन का जो किचन सेटअप होता है वो ये है। और ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर कोई मुझे दिखा सकता है तो मुझे दिखाए, इस टाइप का किचन सेटअप किसी भी SUV बेस्ड कैंपर वैन या कैंपिंग वैन जो भी आप कह लो उसमें है। तो बिल्कुल बढ़िया, स्लीक और बहुत ही रगेड और सॉलिड। और कलर थीम जो हम लोगों ने चूज़ की है वो है हमारे गाड़ी से मिलती हुई पर्ल वाइट कलर की गाड़ी है हमारी, पर्ल वाइट कलर का ये हमारा बॉक्स है। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लंबी ड्रॉअर जिसकी आई थिंक लेंथ 6 फीट कुछ थी, वो भी बहुत यूनिक था। ज़्यादातर लोगों के ड्रॉअर्स की 3 फीट होती है, क्योंकि जो चैनल्स लगते हैं वो धीरे धीरे नीचे बैठने लगते हैं, तो लोग बड़ा ड्रॉअर बनाने से डरते हैं, जो हमारे अंदर किचन सेटअप था। जिन लोगों ने हमारा पुराने वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा। तो वो भी मेरा DIY प्रोजेक्ट था, उसको उसके होते हुए भी मैंने इसको क्यों बनाया। तो पर्पस बिहाइंड क्रिएटिंग दिस प्रोजेक्ट वो ये है कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था गाड़ी के अंदर, और हम नहीं चाहते किसी भी कीमत पर कि हमारी गाड़ी के अंदर कंबल और वो ऐसे, वो जैसे देखा ना होगा हमने कई कैंपिंग वैन्स में, बिल्कुल ठुसी होती हैं, और यहाँ पर जो आपका ये विंडो एरिया होता है पीछे जहाँ से आप देखते हो, वो सारा कंबल और तकिए लगा लगा के फुला रखा होता है, बिल्कुल आपकी विजिबिलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होती। मैं ऐसा सेटअप हमेशा से चाहता था कि वो बिल्कुल प्लेन एक बेड जैसा आपके ड्राइंग रूम में या बेडरूम में कहीं भी एक बेड बिछा होता है ना, बिल्कुल प्लेन क्लीन, उस टाइप की मैं चीज़ चाहता था। ये था इसके पीछे पर्पस कि मैं अपने स्पेस को बिल्कुल सही मैनेज नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने उस स्पेस को थोड़ा अंदर खाली करके अपना किचन सेटअप बाहर ले आया, जिससे कि मेरे को अंदर और ज़्यादा जगह मिल सके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये किस मटेरियल का बना है। ये आपको सब कुछ डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है कि आप इस DIY का फ़ायदा उठा सकें, बट फ़ायदा उठाने से पहले आपके दिमाग में हमेशा ये आएगा इज़ इट लीगल, वो पॉइंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो पहले यहाँ पर हमारा एक लगभग 45 to 50 liters कैपेसिटी वाला एक बहुत बड़ा 8 inch के डायमीटर वाला एक पाइप लगा हुआ था, जिसको हमने वाटर मिसाइल का नाम दिया था। उसको हमने हटा दिया इसकी वजह से, क्योंकि हमको ये बाहर लाना था, उसके रहते हुए वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही थी। ये चीज़ मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी बताई है जब मैंने इसको बनाना शुरू किया था। तो कमिंग टू द पॉइंट, ये जो है नीचे वाला, ये आयरन, आई डोंट नो इसको आयरन क्या कहते हैं। अगर आपने देखा हो सरकारी हैंडपम्प होता है ना, जो सरकारी हैंडपम्प होता है, जो उसमें एक मटेरियल यूज़ होता है जो बिल्कुल सिल्वर कलर का होता है, उसमें कभी भी जंग नहीं लगता, और वो सरकारी माल है। और ये सरकारी माल हमें कहीं रेड ना पड़ जाए मेरे ऊपर, कहीं जान पहचान के जरिए हमको मिला है। तो यहाँ पर लगभग वही चीज़ यूज़ की गई है, ठीक है। मैं अपने लिए अपने खुद ही मुसीबत खड़ी कर लेता हूँ बता के, बट मेरी आदत है सच बताना, सच बता देते हैं, मुसीबत आएगी तो निपट लेंगे। तो वो वाला लोहा यूज़ किया गया है यहाँ पर, जिसको कभी भी रस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो अब बात आती है, ये जो एक फ्रेम आप देख रहे हो पूरा, ये जिसके सहारे ये रुका हुआ है, ये जो फ्रेम है ये वही लोहा है, बिल्कुल नॉर्मल वाला लोहा जिसमें जंग लगता है,
नीचे वाला जो बेस है उसमें कभी जंग नहीं लगेगा, जो इसका जो फ्रेम है उसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसीलिए हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से 4 लेयर्स की जो पेंटिंग होती है वो कराई है इसके ऊपर हर तरीके के, जिससे कि ये रस्ट प्रूफ रह सके। अब बात आती है दूसरा मटेरियल क्या है। दूसरा मटेरियल अगर आप पास से देखो, सिमरन जी यहाँ से आप दिखाइए, ये जो है ये स्टील है, ये स्टील की एक शीट होती है, थिन शीट होती है, क्योंकि थिक शीट यूज़ करने का मतलब हो गया प्योर स्टेनलेस स्टील की थिक शीट अगर मैं यूज़ करता तो इस सेटअप का वेट ही लगभग 60 kg तक जाता और फिर मेरे बजट से बाहर निकल जाता और मैं बजट के बाहर अपनी थीम के हिसाब से बिल्कुल नहीं जाऊँगा। ताकि अगर मैं कोई चीज़ 25,000 की बाहर लगा के बना के आपको दिखा दूँ और आप वो चीज़ अफोर्ड ना कर पाओ तो उसका कोई भी सेंस नहीं बनता मेरे लिए। मैं लोअर से शुरू करूँगा। जो लोग इसको स्टेनलेस स्टील का बनाना चाहते हैं उनको ये हिसाब लगाना है कि आपके इसी बॉक्स पर 30,000 अप्रॉक्स लग जाएंगे, वो स्टेनलेस स्टील का बन जाएगा। बट आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी जब आप इसको नीचे फोल्ड करके लाओगे तो इतना ज़्यादा वज़न हो जाएगा कि शायद आपके एंगल हैं जो वो ज़्यादा देर तक टिकने वाले नहीं हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बेंड करना शुरू कर देंगे और उसके लिए आपको और मोटी स्टील लगानी पड़ेगी। और मोटी स्टील लगाओगे तो ये सेटअप ही आपको 50,000 का पड़ जाएगा और वज़न उसका 60 किलो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने टाटा स्टील की जो बिल्कुल थिन शीट होती है, थिनेस्ट, बीच बीच में देखना भी पड़ता है भाई जंगल है, ठीक है, कुछ सुगबुगाहट सी हो जाती है तो फिर गड़बड़ सी लगती है, बिल्कुल डेंस जंगल है, मजाक नहीं है, एक बार फिर से घुमा के दिखा दो उधर ढंग से दिखा दो, प्योर डेंस जंगल है ये। तो टाटा स्टील को हमने यूज़ किया है क्योंकि टाटा अपनी स्टील के लिए मशहूर है, जंग नहीं लगेगा कभी, तो वो वाली शीट हमने इसके लिए यूज़ की है। वही शीट ये, इसको दिखाओ जरा पास से, फ्रेम है जो वो लोहे का है और उसके ऊपर ये बॉक्स है जो ये स्टील का है, इस स्टील का जो कवर है वो भी स्टील का ही है, वो हमने यूज़ किया है। उसको इस तरीके से हमने ये कुंडियाँ लगा के बंद कर दिया है। So बेसिकली ये जो नीचे है ये फ्रेम है, ये और ये बॉक्स है, उसका कवर है ये, तो हमने फ्रेम को और कवर को पेंट करवा दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको खोल के दिखाता हूँ, ये हियर यू गो, इधर भी स्टोरेज, अच्छा ठीक है, पीछे भी दिखा देना पीछे, पर मेरा जो वो थोड़ा जा वो चलता है, मैं वीडियो पे शूट, वो वीडियो बनाती पई है ना, वीडियो शूट नहीं कर सकना, पानी थल्ले है, पानी थल्ले लेने की रही, हाँ जी, दो दो बेड है ऊपर भी थल्ले भी, जिदा ना मौसम के हालात हुए, जे ऊपर सोना ऊपर सो जाओ, जे बारिश वारिश आती है तो अंदर सो जाओ। हाँ जी, तो गाइज यहाँ पर जो वन विभाग है उसका पूरी टीम मतलब यहाँ पर आगे खड़ी हो गई थी, तो नथिंग, थोड़ा बीच में हमारा, आपको तो पता ही लगा होगा, बट हम लोगों का थोड़ा वो जो क्या कहते हैं डायलॉग था, मैं यही भूल गया कि लास्ट हमारी क्लिप थी कौन सी है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको खोलते हैं, ये मेरे पास एक टूल है, इससे मैं इसको खोलता हूँ, फिलहाल मुझे ऐसे काम चलाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आगे देखूंगा कि इसको किस तरीके से खोलना है, चेंज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो सकती है, आपको साथ में प्रॉब्लम्स बतानी पड़ती हैं कि ये जो नट होते हैं ये वाले, शायद इनकी चूड़ियाँ घिस जाएँ, तो इसलिए शायद मैं कुछ और करने की कोशिश करूँगा, आगे से इसको बदल के कुछ और करने की कोशिश करूँगा। तो हम लोगों ने वीडियो छोड़ा था यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को पता नहीं लगा, मेरे लिए थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, तो मैं इसको आपको खोल के दिखाने जा रहा था। तो अभी इसको खोलने के लिए ये नॉर्मल ऐसे, इसमें कोई ताला वाला लॉक वॉक कुछ नहीं है, आगे हम इसमें नॉर्मल देसी ताला लगाएंगे टू रिड्यूज़ अवर बजट, फैंसी भी लगाया जा सकता है बट बजट नहीं होता उसमें, तो बजट को छोटे छोटे ताले लगते हैं, हाँ वो वाला लगाएंगे हम, और उसकी जो चाबियाँ होती हैं 4-4 मतलब एक्स्ट्रा रख ले अपने पास बंदा, तो ज़्यादा ताले लगाने की ज़रूरत नहीं है, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब ये बात आती है कि डिक्की जो हमारी है वो इसी पोजीशन में खुलेगी, ये ऐसे, जब ये अप है तो हमारी डिक्की नहीं खुल सकती, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है हम किसी कैंपिंग सेटअप पर जाके ही डिक्की खोलते हैं, अदरवाइज़ हम अपनी ज़रूरत का सामान अब याद रखेंगे कि वो आगे रखें डिक्की में ना रखें, थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं, और जब कैंपिंग करने के लिए आप रुकोगे तो जाहिर सी बात है पहले इसको ही खोलोगे, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता था कि मैं इसको ऐसे बनवा सकता था, ये ऐसे खुल के ऐसे ही लग जाता, पर वहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अगर आप ऐसे खोलोगे तो अगर ऑलरेडी आपके पास मेरी तरह ड्रॉअर्स हैं तो
तो वो ड्रॉर्स नहीं खुलेंगे, ये उसमें ऑब्स्टेकल पैदा करेगा। फिर अब कई डिज़ाइनर लोग आएंगे, वो कहेंगे सर ऐसे खोल लो, सर ऐसे खोल लो। भाई ऐसे तो खोल लो, अगर मैं इसका पार्टीशन करा के इसका जो ये ढक्कन है इसको इधर खोलता तो यानी ये इतना इधर आ जाता, तो अब मेरे को अगर दराज तक जाना पड़ेगा तो कैसे जाऊँगा, ऐसे ऐसे कैसे जाऊँगा मैं, नहीं पहुँच सकता। इसीलिए मैंने इसको पूरा ओपन कर दिया है, इस पिटारे को मैं खोल के साइड पे रखूँगा, ठीक है। सिंपल, यानी चीज़ को डिज़ाइनर बनाने के चक्कर में उसको मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता, उसको सिंपल रखना चाहता हूँ। तो अब इसके अंदर जो अभी आप देख सकते हो वो हमारा अंदर से आपको दिख रही होगी, ये स्टील है, अंदर से कोई पेंटिंग नहीं हुई बिल्कुल भी। स्टील की सबसे पतली वाली जो शीट आती है वो ये है, और ये हमारा पुराना वाला जो स्टोव था अंदर टू बर्नर, वो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया है। और ये जो स्पेस है इसको हम यूटिलाइज़ करेंगे ग्रॉसरी के लिए। क्यों? क्योंकि मैं इसमें कोई भी कुकवेयर्स नहीं रखना चाहता, जैसे चमचा हो गया, स्पून्स, कुछ भी लगा लो आप, कोई भी स्टील वाली चीज़, वो इसमें धड़ 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 हिलेगी तो डांस करते हुए जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसी चीज़ें रखी जाएंगी जो हिलें और उनकी आवाज़ ना आए, और वो अपने किचन से रिलेटेड चीज़ें ही, ग्रॉसरी टाइप चीज़ें जैसे मैगी के पैकेट्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, वो सब कुछ इसके अंदर मैं रख सकता हूँ। तो ये बात शायद मटेरियल बता रहा था मैं, उसी के अंदर आ गई आपकी ये बात। तो अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या था श्रीमती जी? डायमेंशंस, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके बनाने के लिए। तो गाइज जो नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस करने के लिए वो ये है कि इसकी डायमेंशंस क्या है जिससे कि आपको हेल्प मिल सके ये वाला सेटअप बनाने में। मैंने अपनी गाड़ी के हिसाब से इसकी विड्थ और लेंथ जो भी है वो रखी है, आप अपनी गाड़ी के हिसाब से रखोगे। फिलहाल मैं अपने वाले की बताने वाला हूँ, वो है 4x2.5, ये दो भी नहीं है, ये 2.5 है लगभग, 4x2.5 या 1.5 जो भी कह लो आप, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद, 4x1.5x2 कुछ है ये। और इसकी जो डेप्थ है, जो गहराई, वो है 3 इंच से थोड़ी ऊपर थी 3 इंच लगभग इसकी गहराई है। तो ये तो होगी डायमेंशन की बात, जिससे आप लोग समझ सको कि ये कैसे बनाना है और कितना बड़ा है हमारा, जिससे आपको अंदाज़ा लग सके कि शायद वो कैमरे में बहुत छोटा लग रहा है पर ये बहुत बड़ा है। तो भाई जो मैंने आपको डायमेंशंस के बारे में बताया, ये आपकी गाड़ी के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, आपकी नीड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। हमने डबल बर्नर रखा है, आप सिंगल रख सकते हो, यानी इसको आप और छोटा और पोर्टेबल बना सकते हो, ठीक है। और इसके पीछे कुछ पर्पस भी है, मैंने क्यों बनाया है ये आपको फर्दर अगले वीडियोज़ में बताए जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 बर्नर वाला भी ये स्टोव भी है, 1 बर्नर वाला भी है, छोटा वाला भी 4 बर्नर है। हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे। फिलहाल आप अपनी गाड़ी के अनुसार और अपने स्टोव के अनुसार और अपने पेट के अनुसार इसको छोटा और बड़ा कर सकते हो। तो गाइस अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि भाई इसमें पैसा कितना लगा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है स्पेशली मेरे व्यूवर्स के लिए जो बजट की थीम ढूंढते हैं। तो भाई अब बात करते हैं, इसके मटेरियल के हिसाब से प्राइस वेरी करेगा, और जो मैंने लेबर पे की है वो भी वेरी करेगा आपके शहर के हिसाब से कि आप किस शहर में रहते हो, किस गाँव में रहते हो। तो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फार्म हाउस पे बनवाता हूँ, बिल्कुल एक इंडिया का जो गांव होता है ना वहाँ से मैं बनवाता हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा बिल्कुल मिनिमम होता है हमेशा। तो मैंने जो इसके ऊपर खर्चा किया है वो है केवल 5,000 रुपये, जिसमें कि मेरे लोहे के एंगल और जो स्टील वाली जो शीट लगी है वो, कवर और पेंट एवरीथिंग इंक्लूडेड 5,000। अब इससे सस्ता और इससे महंगा वो सब कुछ वेरी करता है आप किस जगह पर रहते हो, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करने से पहले याद आ गया मुझको कि एक पॉइंट अभी बचा है, इज़ इट लीगल? ओके, तो हियर आई हैव टू मेंशन फ्यू थिंग्स कि आपको ये जो स्टिकर मेरी गाड़ी पे दिख रहा है ये इलीगल है, ठीक है। आपको शायद ये ना पता हो इसके अंदर जो लेड लाइट लगी है वो मैंने अपने आप लगवाई है आफ्टर मार्केट, जो इसके अंदर पहले से नहीं थी वो इलीगल है। वो जो रूफ टॉप टेंट लगा है वो इलीगल है। तो ये क्वेश्चन पूछना ये लीगल है या इलीगल है, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में ना RTO कुछ बता रहा है, तो जब RTO जो लॉ बनाते हैं वही कुछ नहीं बता रहे जब, तो हम कैसे बताएं? उनका कहना है कि गाड़ी के पीछे जो भी आप लगाते हो वो इलीगल है, बट वो इलीगल कब है? अगर आपने उसको गाड़ी की चेसिस के साथ बांध रखा है। उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कुछ भी बांधा है वो गाड़ी की चेसिस में नहीं बांधा है। तो इस तरीके से मैं किसी पुलिस वाले से शायद थोड़ी बहुत बहस कर सकता हूँ, और बाकी यही है कि कभी पुलिस वाले से बहस मत करें, उसको अपना पर्पस बताएं, उसको ये बताएं कि भाई साहब देखिए सावन के 2 महीने निकल गए,
हर कांवड़ यात्री एक जैसा नहीं है, क्योंकि इस पर भी पता लगे मेरे ऊपर प्रहार हो जाए कोई, नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ, पाँच उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती, एक जैसी नहीं होती, एक बराबर नहीं होती पाँच उंगलियाँ। कांवड़ यात्री जब अपनी यात्रा पर जाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल श्रद्धा के साथ शिव जी के दर्शन करने जाते हैं इंडिया के अलग अलग जगहों पर। बट शायद आपको ये पता हो कि क्योंकि वो शिव के भक्त हैं, ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है कि गांजा पीना ज़रूरी है, ठीक है, और ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ज़्यादातर लोग ये जानते होंगे, एक नॉर्मल पब्लिक ये जानती है कि ज़्यादातर कांवड़ यात्रा में जो ड्राइवर्स होते हैं उन्होंने भांग पी रखी होती है, गांजा पी रखा होता है और वो ड्राइव करते हैं। तो मैं पूछूंगा सरकार से, क्या वो लीगल है जब एक बोलेरो में दो दो क्विंटल के सिर्फ डीजे लगे रखे जाते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी की कोई लिमिट नहीं है, रात को 10 बजे भी वो आवाज़ करेंगे, क्या वो लीगल है? क्या उनका ड्राइवर जो भांग पीता है क्या वो लीगल है? क्या एक बोलेरो गाड़ी पे 15 या 16 लोग पिकअप पे खड़े हो सकते हैं, क्या वो लीगल है? तो अगर आप ये सब कुछ मुझे बता दो कि क्या ये लीगल है, टायर का साइज़ आप अपग्रेड करते हो क्या वो लीगल है, रिम आप चेंज कर देते हो क्या वो लीगल है, गाड़ी के ऊपर आप रैप लगा देते हो, रैप कर देते हो गाड़ी, क्या वो लीगल है? तो पहले आप मेरे को इन चीज़ों का जवाब दीजिए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा क्या ये लीगल है या नहीं। सिंपल। सो अगर आपको मेरी ये छोटा सा सेटअप पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।